जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो RPF SI के बारे में रहने वाला है कि आप RPF SI में कितने क्वेश्चन करके आए जिससे आपको दोस्तों एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर मैं RPF के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ दोस्तों, तो RPF SI का सिर्फ सिंगल एग्जाम होना है जो कि 120 क्वेश्चन है और आपको 1.5 घंटा मिलेगा दोस्तों, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 250 क्वेश्चन आपके GK GS और करंट अफेयर वगैरह के। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको 120 में से कितना स्कोर करना है जिससे दोस्तों आप CVT 1 क्लियर कर लें, और इसमें CVT 1 ही होना है। उसके बाद में दोस्तों आपका PET फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होना है, मेडिकल होकर दोस्तों फाइनल ग्रुप लगकर आपको दोस्तों ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, एक वीडियो अलग बनाई जाएगी कि जो प्रोफाइल हो RPF SI की जो कैसी होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपको कितना स्कोर दोस्तों करना है। देखिए, एक मैं पिछले 2018 की वैकेंसी की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसको थोड़ा सा दोस्तों आधार मान के बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर मैं उसे आधार भी मानूँ तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपको पिछले साल की कट ऑफ से कुछ ज़्यादा दोस्तों अनुमान नहीं लग सकता, लेकिन हाँ आपको इतना तो करना ही करना है, उससे कम आप कहीं से कहीं तक दोस्तों क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, पिछली बार जो आपका RPF की वैकेंसी थी SI की 1100 वैकेंसी थी 2018 में, और ये वैकेंसी आपकी एक तरीके से ग्रुप में बटी हुई थी ABCDEF। ठीक है, देखिए 6 ग्रुप में वैकेंसी थी जिसमें D ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी दोस्तों। अब यहाँ पर हर ग्रुप की कट ऑफ UR की, OBC की, SC ST की अलग अलग लगी थी। देखिए दोस्तों, और ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि आपने इतना क्वेश्चन किया है 120 में से। ठीक है, देखिए ये 94.59 94.59 कट ऑफ थी आपकी ग्रुप ए की, जो कि दोस्तों फाइनल कट ऑफ बाद में उठी थी 103.4 है। मतलब आप समझ लीजिए कि 4 नंबर कट ऑफ आपकी फाइनल उठ गई थी UR कैटेगरी की। उसके बाद में ग्रुप बी में 100 कट ऑफ थी, 100.76। इसके बाद में 6 नंबर आपकी कट ऑफ उठी थी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ग्रुप सी में 94 थी दोस्तों, 98 उठी थी, 6 नंबर दोस्तों यहाँ भी कट ऑफ उठी थी। ग्रुप डी में 99 थी और दोस्तों यहाँ 119, मतलब सबसे ज्यादा जो कट ऑफ उठी थी वो तो ग्रुप डी में उठी थी 20, जो ग्रुप डी था उसमें 20 दोस्तों 20 नंबर कट ऑफ उठी थी। ठीक है, ग्रुप ई में 74 से दोस्तों 74 यहाँ कट ऑफ कोई नहीं उठी थी, और ग्रुप एफ में 76 से 76 यहाँ भी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ में कोई दोस्तों आपने कट ऑफ नहीं उठी थी। ओबीसी में भी आप देख सकते हैं एक बार 95.5 से 104.23, मतलब आपकी कितनी कट ऑफ दोस्तों उठी थी, यहाँ पर भी आपकी 5 नंबर के समथिंग में दोस्तों कट ऑफ उठी थी, ये 93.38 थी और ये 103.44 थी। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि 12 से 13 नंबर दोस्तों आपकी कट ऑफ उठी थी। सी में 82.6 थी और यह दोस्तों 97.22, यहाँ भी देख सकते हैं कि 13 से 14 नंबर दोस्तों आपकी कट ऑफ उठी थी। बाकी SC वाले भी देख सकते हैं कि 89.23 है और दोस्तों यहाँ 89.23 से 92, मतलब 3 से 4 नंबर दोस्तों आपकी कट ऑफ उठी थी, और ST की 85 से दोस्तों ये 95, मतलब 10 नंबर दोस्तों आपकी कट ऑफ उठी थी। ग्रुप वाइज कट ऑफ थी, ग्रुप वाइज वैकेंसी थी, और दोस्तों इस बार जो आपकी वैकेंसी है वो ग्रुप वाइज नहीं है। इस बार जो भी कट ऑफ दोस्तों आपकी आएगी वो कट ऑफ इस तरीके से दोस्तों आने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें आपको ज़्यादा टाइम बताने में टाइम लगाऊंगा तो दोस्तों आपको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बाकी आप पिछले साल जो 2018 की वैकेंसी थी और इस साल की वैकेंसी अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों, तो बिल्कुल दोनों में कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी थी वो ग्रुप वाइज वैकेंसी थी और दोस्तों इस बार ग्रुप वाइज वैकेंसी नहीं है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 79.33 थी, जो कि 83.6, मतलब 4 नंबर दोस्तों कट ऑफ यहाँ उठ गई थी फीमेल। और बी में 87 थी, 93 नंबर यहाँ भी उठ गई थी दोस्तों, यहाँ भी 3 नंबर उठी थी और दोस्तों यहाँ भी 4-5 नंबर उठी थी। आप देख सकते हैं फीमेल की जो कट ऑफ है मैंने दोस्तों बाद में लिखी ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस जो पुरानी वाली कट ऑफ है इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अब इस बार दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम दोस्तों आपको इतना स्कोर तो करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ 120 में से आपको कितना करना है, 120 में पहली बात तो आएगा क्या, 35 नंबर का मैथ आना है दोस्तों, रीजनिंग 35 नंबर का आना है। और अगर मैं रेलवे के मैथ रीजनिंग की बात करूँ तो दोस्तों इनका जो लेवल होता है वो दोस्तों इतना हाई नहीं होता है। अगर आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, अपने आपको टाइम दे रखा है, तो अगर आप देखिए 65 प्लस क्वेश्चन यहाँ करते हैं तब जाकर दोस्तों आप फाइट में हैं। 65 प्लस क्वेश्चन दोस्तों अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप फाइट में हैं। ठीक है, 65 प्लस क्वेश्चन करते हैं, अगर आपके 62-63 क्वेश्चन भी होते हैं तो भी दोस्तों आपको कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है,
लेकिन फिर दोस्तों आपको यहाँ 40+ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 40+ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो भी यूआर कैटेगरी के अंदर। बाकी और कैटेगरी के अंदर दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन का डिफरेंस आप कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा डिफरेंस दोस्तों यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यूआर कैटेगरी के अंदर आपको 100 क्वेश्चन तो दोस्तों करने ही करते हैं, आपको 105 तो मैक्सिमम से बिल्कुल फाइनल कट ऑफ रहेगी, ये इससे ज्यादा कहीं से कहीं तक नहीं रहेगी, आपको 100 क्वेश्चन तो दोस्तों बिल्कुल सही करने करने हैं यूआर कैटेगरी के अंदर अंदर, ठीक है। अब अगर आपके 100 क्वेश्चन दोस्तों ये ठीक हो गए तो 400 वैकेंसी है, आप समझ लीजिए आप 100% फाइनल सिलेक्शन तो दोस्तों जाएंगे। ओबीसी के अंदर दोस्तों आपको ओबीसी के अंदर भी यहाँ 97 के समथिंग में दोस्तों क्वेश्चन करने हैं, 97 के समथिंग में दोस्तों ये आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, 97 से 98 के समथिंग में। और ईडब्ल्यूएस की अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस की हो सकता है कि ये उस टाइम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना था कि बना था, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस इसमें है तो दोस्तों आपको 95 के समथिंग में दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। और एससी के लिए 90+ क्वेश्चन करने दोस्तों जरूरी है, 90 से क्वेश्चन आपके कम कहीं से कहीं तक दोस्तों ना रहे, और अगर 90 से कम आपका स्कोर रहता है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि 400 वैकेंसी के अंदर आप क्वालिफाई दोस्तों शायद ही कर पाए। एसटी के अंदर भी दोस्तों अगर आप 88-89 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 90 के समथिंग ही आपको रहना है, कितना क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है। अब ये डिपेंड करेगा शिफ्टों के ऊपर कि किसकी शिफ्ट भारी है और किसकी शिफ्ट आसान है। ये जो स्कोर दोस्तों मैंने बताया ये एक एक तरीके से आसान शिफ्ट के अंदर मैंने बताया दोस्तों, अगर आपकी शिफ्ट ये है तो आप इससे कम स्कोर बिल्कुल ना करें, और अगर आपकी शिफ्ट भारी आ जाती है तो आप नहीं जानते, ठीक है, आप उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। जो इजी शिफ्ट होगी दोस्तों इजी शिफ्ट के अंदर आपको इतना स्कोर करना, और जो हार्ड शिफ्ट होगी तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हाँ 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो समझ लीजिए सिलेक्शन से आप बिल्कुल बाहर हो गए, 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए दोस्तों तो आप सिलेक्शन से बिल्कुल बाहर हो जाओगे, ठीक है, निगेटिव मार्किंग से बचना है। और अगर आपकी हार्ड शिफ्ट दोस्तों आती है और अगर आप यूआर कैडी के अंदर 90 क्वेश्चन भी कर पाते हैं दोस्तों तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, 85 से 90 क्वेश्चन भी अगर आप करके आते हैं तो भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइजेशन रेलवे के अंदर होता है, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, आप निगेटिव मार्किंग में ना फंसे, ठीक है। आसान शिफ्ट में आपसे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है करिए, हार्ड शिफ्ट के अंदर आपसे जितना बेटर से बेटर पेपर हो सकता है जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन आप कभी भी दिमाग में ये बात घुमा के मत जाना कि 100 क्वेश्चन से कम करके आऊंगा तो सिलेक्शन से बाहर हो जाऊंगा, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाला है। रेलवे और एसएससी पेपर के टफनेस को इक्वल करने के लिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाता है, और रेलवे के अंदर भी देखा गया कि 20-20 नंबर 25-25 नंबर नॉर्मलाइजेशन के अंदर दोस्तों बढ़ते हुए आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है वो सिर्फ स्पेशली यही इसी बात के ऊपर रहने वाली थी कि आपको आरपीएफ के अंदर दोस्तों कम से कम इतना स्कोर तो करना ही करना है अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है, जय हिंद जय भारत।